भाजपा की प्रचंड जीत, जहां विपक्षियों ने सवाल उठाए ईवीएम मशीन पर, वहीं जनता ने किन मुद्दों को लेकर के भाजपा को वोट दिया, बात करेंगे इसके ऊपर। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। हंगामा तो हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उसी को लेकर के आज आपके सामने आए हैं कि किस बात का हंगामा देश में बरपा हुआ है। तो जब हम यहाँ से निकले चुनावी यात्रा पर, इलाहाबाद गए, गोरखपुर गए, हर जगह गए, लखनऊ की भी आपने पब्लिक के विचार सुने होंगे कि पब्लिक किस नेता को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लेकिन जब जनता बोली कि सरकार, जो मोदी सरकार है, उसको क्यों वोट देगी, देश के हित में, देश की सुरक्षा को लेकर के कितना लोग चिंतित थे कि आज तक के जो भी प्रहार हो रहा था पाकिस्तान की ओर से, कोई भी नेता ऐसा नहीं था कि किसी ने उनको जवाब दिया हो। एयर स्ट्राइक, थल सेना और वायु सेना और सभी सेनाओं के द्वारा जिस भी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उस तरह से भाजपा सरकार ने जनता का दिल जीत लिया। लेकिन जब बात आई कि पूर्ण बहुमत और प्रचंड जीत की, तो सभी ने राष्ट्रवाद को लेकर के भाजपा सरकार को वोट दिया। और भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय बन चुके हैं, इस समय उन्होंने जो बात और जो फैसला लिया, उससे पाकिस्तान की नींद तो उड़नी ही है। और नींद उड़ने की वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ अक्षरों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर इस बार उसने हिंदुस्तान की ओर नज़र उठा करके देखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इससे तो पाकिस्तान की नींद उड़ ही गई है कि उन्होंने शपथ लेते ही पाकिस्तान के ऊपर निशाना साध दिया। और निशाना साधने का मकसद भी उनका कोई ऐसा टोल मोल वाला नहीं था, उनका मकसद इससे जो उनके मंत्रिमंडल का चयन हुआ उससे साफ झलकता नज़र आ रहा है कि इस बार अमित शाह को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उनको बना दिया गया है गृह मंत्री, और जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनको बना दिया गया है रक्षा मंत्री। तो इस समय तीनों लोग प्रहार करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं। और पाकिस्तान के ऊपर जो अब की वार होगा, तो कहीं पाकिस्तान का सफाया ना हो जाए, जो हमारे जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के, उन्होंने जो जवाब दिया था वायुसेना के द्वारा, थल सेना और जल सेना के द्वारा, उससे पाकिस्तान डरा भी हुआ था। और हिंदुस्तान के इतने दबाव के बाद जो आतंकवादी को घोषित किया गया राष्ट्रीय आतंकवादी, कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा कहीं से भी समर्थन ना मिल सके, उसके लिए उसको घोषित कराया गया। भारत ने हर देश के ऊपर दबाव बनवा के उसको आतंकवादी भी घोषित करा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो इस समय की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार, और जो उसके अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, इससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तो ऐसी जानकारियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। राष्ट्र की बात है।